हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018-19 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस टीजीटी लेवल 2 के वाले पेपर के हैं। और ये एग्जाम हुआ 6 जनवरी 2019 को, और ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पार्ट वन की, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। आपका पहला क्वेश्चन है गणितीय या गणना संबंधी अक्षमता एक प्रकार है, तो इसमें आपका आंसर आएगा अधिगम अक्षमता का। सेकंड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किस अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को कहते हैं, तो इसमें कहते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। तो सेकंड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। यह निम्नांकित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है, तो इसमें आपका आंसर आएगा पश्चगमन। तो फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र के संबंध में सही नहीं है। आपका पहला पॉइंट है यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है, यह आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है यह बच्चे के सिखाने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, यह भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है यह उन कार्यों क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है, यह भी आपका करेक्ट है। तो इसमें आपको जो सही नहीं है जो इनकरेक्ट है वो बताना था, तो आपका इनकरेक्ट आएगा फोर्थ पॉइंट। यह है आपका यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है, तो यह आपका इनकरेक्ट है, तो आपका फोर्थ आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पियाजे के संज्ञात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है, तो आपकी ये प्रक्रिया सम्मिलन आत्मसातीकरण अनुकूलन ये इसकी प्रक्रिया है और शेपिंग इसकी प्रक्रिया नहीं है, तो फोर्थ इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया तब वह प्रयोग कर रहा है, तो इसमें आपका आंसर आएगा प्रक्रियात्मक स्मृति का, तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। आपके पहला पॉइंट है संगीत क्या बुद्धि, ये इसका प्रकार है। भाष्य बुद्धि ये भी प्रकार है। तार्किक व गणितज्ञ बुद्धि ये भी इसका प्रकार है, तो उसका प्रकार नहीं है सृजनात्मक बुद्धि, तो फोर्थ इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के ठीक पहले उसके ललाट पर थपकिया देती है, जल्दी वह देखती है कि हर बार जब बच्चे के ललाट पर थपकिया देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है, बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है, तो इसमें आपका आंसर आएगा शास्त्रीय अनुबंधन का, तो सेकेंड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। पहला पॉइंट है खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ कम होती जाती है, ये आपका सही नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आएगा फर्स्ट। बाकी आपके तीनों करेक्ट है, आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज्यादा सामाजिक होता जाता है, साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है और आयु बढ़ने के साथ खेल ज्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है, तो ये तीनों आपके आपके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आएगा कार चलाना, बाकी आग झपकाना चूसना और तैरना ये इसके प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। आपका पहला पॉइंट है विलोपन स्वेत पुनर्प्राप्ति और शेपिंग ये से संबंधित है, इसमें आपका आंसर आएगा उद्दीपक विभेदन, तो फोर्थ इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है यह जानना कि साइकिल कैसे चलाए एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है प्रक्रियात्मक ज्ञान का, तो फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखीय सिद्धांत के अनुसार
निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें आपका आंसर आएगा संगीत के बुद्धि, इसका एक प्रकार नहीं है, बाकी तीनों प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या दी, तो इसमें आपका आंसर आएगा लियो कैनर ने, और इन्होंने यह व्याख्या दी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजना बंद हो जाता है, यह उदाहरण है? तो यह सकारात्मक पुनर्बलन का, तो फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है, यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो इसमें आपका आंसर आएगा सिर से पैर की ओर, तो सेकंड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको जो सत्य नहीं है वो बताना है। आपका पहला पॉइंट है, बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है, ये आपका ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम अक्षमता युक्त बालक की आईक्यू निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए, ये आपका ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है, ये आपका गलत है। और बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें आपका आंसर आएगा थर्ड, जो आपको इनकरेक्ट है, जो सत्य नहीं है वो बताना था, तो थर्ड इसमें आपका आंसर आएगा। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता? आपका पहला पॉइंट है, सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, ये आपका आता है। नेक्स्ट है, सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निर्वाह करना, ये आपका आता है। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, ये आता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा फोर्थ, जो इसमें नहीं आता, आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन कि व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है, व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो इसमें आपका आंसर आएगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण की, तो फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला, भय के इस प्रकार वापसी को क्या कहा जा सकता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा, इसे कहा जाएगा स्वतः पुनः प्राप्ति, तो थर्ड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, निम्नांकित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर अंकित किया करता है, जैसा कि पियाजो ने बताया? तो इसमें आपका आंसर आएगा सहयोग की नैतिकता का आरंभ, तो फर्स्ट इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकीय खेल के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है, यह आपका सही है। यह स्वांग रचना खेल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका ठीक है। यह प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है, ये भी आपका ठीक है। तो सही नहीं है वो आपको बताना था, यह हमेशा पुनरुत्पादक होता है, तो ये सही नहीं है, फोर्थ आपका इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट है, कोहल बर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है, तो ये संकेत है लौकिक नैतिकता का, तो थर्ड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें आपका आंसर आएगा पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत की, तो फोर्थ इसमें करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, वह आकलन जो अनुदेशक के दौरान या अनुदेशक से पूर्व किया जाता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया गया या किसके द्वारा दिया गया? कैरोल के द्वारा, तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ब्रायन फेरबेरेन के विकास की पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नांकित में से किस तंत्र में समाहित है? तो यह है एक्सोतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका पहला पॉइंट है, शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, ये सही नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आएगा फर्स्ट, बाकी आपके तीनों पॉइंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के बोक्रा क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें आपका आंसर आएगा यह व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता करता है, तो यह आपका सही नहीं है, बाकी आपके तीनों इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज की। आपका पहला पॉइंट क्वेश्चन है,
अशुद्ध संधि वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें आंसर आएगा अशुद्ध संधि है सेकंड में, विद्युत प्लस मुख ये आपका जो है सेकंड अशुद्ध है, बाकी आपके शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंकित कीजिए। तो इसमें भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें दिन भर आता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विकल्प में गरुड़ का पर्याय नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आएगा हिरंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका आंसर आएगा मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, तो फर्स्ट इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, तो इसमें आपका आंसर आएगा गीतांजलि। इसमें आपका जो है करेक्ट वर्ड होता है गीतांजलि, तो इसमें जो है लय के ऊपर छोटी की मात्रा आनी थी, तो ये आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भाववाच्य चुनिए, तो भाववाच्य गर्मियों में रोज नहाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य चुनिए, अशुद्ध वाक्य आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, तो फर्स्ट अशुद्ध है बाकी सभी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका आंसर आएगा तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ, तो थर्ड इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आएगा हिंदीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें आपका आंसर आएगा समाधि में। नेक्स्ट है किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ईश्वर तुम्हारा भला करे, तो फर्स्ट इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, तो इसमें आंसर आएगा वार्ताक बैंगन, तो फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट है असंगत कथन छाटिए, तो इसमें आंसर आएगा नापाक इरादे से किया जाने वाली मंत्रणा, ये आपका दीप्सा दीक्षा दिया हुआ है तो ये नहीं होता, दीक्षा का मतलब होता है देने की इच्छा, तो फर्स्ट इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है, तो तत्पुरुष समास नहीं है मीन केतु में, मीन केतु यानी मीन के समान केतु जिसका अर्थ है विष्णु और इसमें बहुव्रीही समास है। नेक्स्ट है वयोवृद्ध शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें है विसर्ग संधि। नेक्स्ट पार्ट थ्री की बात करते हैं, अंग्रेजी की बात करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है दे अराइव सून आफ्टर, दी वर्ड आफ्टर इज यूज एज, तो इसमें होगा एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, तो इसमें आपका आंसर आएगा द इंजर्ड प्लेयर वॉज बींग कैरिड ऑफ द फील्ड, तो फर्स्ट इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, आई टुक इट होम विद मी सी सेड, तो इसमें आंसर आएगा सी सेड, सी हैड टेकन इट होम विद हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, द अर्थ डैश राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा डिस इंटीग्रेशन, जो आपकी सेकंड वाले ऑप्शन में स्पेलिंग है ये आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको प्रेपोजिशन फिल करनी है, इसमें आपके पहले में आंसर आएगा वी आर गोइंग फॉर ए ड्राइव इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी स्टेड, इसमें आपका आंसर आएगा इन मुंबई फॉर 5 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियरिंग द नॉइज द बॉयज वॉक अप, इसमें आपका आएगा पार्टिसिपल। नेक्स्ट द अंडरलाइंड वर्ड आर, जो आपको मेड ऑफ सिल्क, तो ये आपका है एडजेक्टिव फ्रेज, तो थर्ड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन, इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा अनलेस। नेक्स्ट है इसमें आपको जो है मॉडल बताना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लिम एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है देयर इज ए मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर लुकिंग इनटू इट, द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब मींस, तो इसमें आपका आंसर आएगा टू इन्वेस्टिगेट, तो फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है वन हु मेक्स मैप और चार्ट्स, तो ये आपका आएगा कार्टोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, तो फर्स्ट इसमें आपका आंसर आएगा।
नेक्स्ट है ये आपके पार्ट थ्री के, जिसमें आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके और अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए थे। हरियाणा जीके के भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो फर्स्ट है, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। तो ए और डी, ए का डी से क्या संबंध है? तो ए डी की जो है ग्रांड डॉटर आएगी, जो ग्रांड डॉटर आपके जो है किसी में भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता है ग्रांड फादर। अगर आपसे पूछा जाता है कि डी इज रिलेटेड टू ए, यानी डी ए से किस प्रकार से संबंध करता है, तो आपका आंसर आ सकता है दादा या दादी, नाना। तो फोर्थ इसमें आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह फाइंड आउट करनी है। तो ये आपकी सीरीज बन रही है, जैसे 1 का क्यूब माइनस 1, नेक्स्ट है आपका 2 का क्यूब माइनस 3, नेक्स्ट है 3 का क्यूब माइनस 5, 4 का क्यूब माइनस 7, नेक्स्ट है 5 का क्यूब माइनस 9, तो नेक्स्ट आएगा आपका 6 का क्यूब माइनस 11, तो इसमें आपका आंसर आएगा 205। तो फर्स्ट इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैंक 2/5, इसके टैंक का 2/5 भाग भरा हुआ है, यदि इसमें 16 लीटर पानी और भर दिया जाता है तो वह 6/7 भाग भर जाता है, तो टैंक की कुल क्षमता कितनी है? तो टैंक की कुल क्षमता है 35 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? तो यह संख्या होती है 2, तो थर्ड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 आता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 548। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो यह होगी 66 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 294 को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग इकाई बनाई जा सके, तो इसमें आपका आंसर आएगा 6। नेक्स्ट में आपको बताना है कि इसको अगर आप बढ़ते हुए क्रम के अनुसार लगाएंगे तो चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो वह आएगी 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या आएगा? तो यह आएगा 8 2/7। नेक्स्ट इसमें आपको जो है ओड वन फाइंड आउट करनी थी, तो इसमें आपका आंसर आएगा KPSU, तो थर्ड इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अपनी यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा आधा भाग कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या है? तो इसमें आपके एवरेज स्पीड निकालोगे तो वो आएगी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीद जाते हैं तथा 10 संतरे 11 रुपये में बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत कितना आएगा? तो लाभ प्रतिशत आएगा 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल्य किसी कार्य को 2 दिन में करता है और बिंदु इसे 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को करेंगे? तो इसको करेंगे 3/2 दिन में। नेक्स्ट है, 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं जिनका योग 71 रुपये है, तो 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? तो 20 पैसे के हैं टोटल 200 सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या श्रेणी में कितने 6 ऐसे हैं कि प्रत्येक के ठीक पहले 1 या 5 आते हो और ठीक बाद 3 या 9 आते हो? तो ये आपके आएंगे 2, एक यहाँ पे है आपका 6 1 3 और ये आपका जो है 5 6 9। नेक्स्ट है, यदि बोन को APQO लिखा जाता है, लेग को KBBL लिखा जाता है, तो ग्रिड को क्या लिखा जाएगा? तो यह लिखा जाएगा FSHE, तो थर्ड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक चिड़ियाघर में हिरण एवं मोर हैं, गणना करके उनके सिरों की संख्या 80 है तथा उनके टांगों की संख्या 200 है, तो वह मोर कितनी संख्या में है? तो मोर की संख्या है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं का कौन सा समूह किए गए समूह के समान है? तो यह 2, 14, 16, तो इसके समान है आपका 3, 21, 24, 2 × 7, 14 और 2 × 8, 16, ऐसे 3 × 7, 21 और 3 × 8, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका पहला पॉइंट है, सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर संगीतज्ञ हैं, तो इसमें आपका निष्कर्ष आता है कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ संगीतज्ञ भी है और सभी संगीतज्ञ डॉक्टर हैं, तो इसमें आपका आंसर आएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है,
यानी आपका पहला पॉइंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि प्लस का मतलब डिवाइड है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब प्लस है और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, तो आपको जो है इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या है? तो सबसे कम शहरी जनसंख्या है मेवात में, ये आपके हरियाणा के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केएमपी एक्सप्रेसवे मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, केएमपी एक्सप्रेसवे मार्ग पर 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें आपका आंसर आएगा दोनों ए और बी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा मनजीत सिंह ने, और जिनसन जॉनसन ने 800 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में बढ़ानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था, तो वह था रेवाड़ी, तो फर्स्ट इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अंबाला में वकालत की थी, ये आपका करेक्ट है। उन्होंने बंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, आईआईटी ये आपका कहां पर है? तो ये आपका आएगा सोनीपत में। नेक्स्ट है, आईआईएम रोहतक में, एनआईडी ये आपका कुरुक्षेत्र में, और एनआईएफटी ये आपका पंचकुला में। तो इसमें आपका आंसर आएगा सेकंड, करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट? तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में दो है, बिंडावास और खापरवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इस समय कितनी तहसीलें हैं? तो 93 तहसीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है पिंजौर में। और साथ ही आप स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाने से हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं, यह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप इससे जुड़ सकते हैं और स्टडी जोन की लेटेस्ट वीडियोज पा सकते हैं। थैंक यू।